हेलो, आज हूँ पुणे में। आज का डेट नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पुणे में आया हूँ यहाँ पे कुछ शूट करने। तो आपके लिए आज मैं पिंपरी चिंचोड़ का वाटर स्पोर्ट्स सेंटर दिखाऊँगा, लेकिन ये चालू है नहीं पता नहीं मुझे, यही है। तो शुरू कर देते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो बंद है, देखते हैं हम अगर कुछ मिलता है शूट करने। तो जिस मंदिर में मैं आया हूँ एग्जैक्टली उनका भी नाम नहीं पता है मुझे, मंदिर का नाम तो मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के डाल दूँगा। ऐसे ही घूमना आया था ये लोकेशन पे, मुझे लगा था यहाँ पे कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा तो आया हूँ। तो बाकी के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लो कि ये लोकेशन आपको कैसा लगता है। एग्जैक्टली मेरे पीछे है वो वाला लोकेशन। चलो करीब से दिखाता हूँ मैं, ये क्या है वो पढ़ के दिखाता हूँ। ये पवना नदी है और केजू देवी बंदारा है। तो हाँ, इस मंदिर का नाम भी केजू देवी है। तो यहाँ पे इंस्टीमेशन दिया हुआ है इस बोर्ड पे, तो मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन तो आपको दिखाता हूँ, अगर आपको मराठी आती है तो आप पढ़ सकते हैं। पवना नदीवरील केजू देवी बंधारा तसेच पद्मजी पेपर मिलच्या बंधारा तळ्यातील गेट उघडले आहेत। यहाँ पानी का गेट खुला हुआ है नदी पे, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पानी का गेट खुला है, आप पानी का आवाज़ भी देख सकते हैं कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कपल्स वगैरह। मैं सुबह सुबह आया हूँ इसीलिए यहाँ पे इतना भीड़ नहीं है, तो मुझे अच्छे से शूट मिल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं आज इस यहाँ पे ब्लॉग करने वाला हूँ। जो बच्चे स्कूल बंक करते हैं वो यहीं पे मिलते हैं ऐसे, यही तो दिन है मस्ती के। वैसे भी आजकल के स्कूल कॉलेज इतना कुछ पढ़ाते नहीं हैं, टेक्निकली पढ़ाते हैं जितना बुक्स में होता है, क्रिएटिव वर्क यहीं से उनको मिल जाता है ऐसा समझ लीजिए। और ये पवना नदी है केजू देवी मंदिर के परिसर में। यहाँ पे बोटिंग भी होती रहती है, तो फिलहाल तो बोट्स वाले अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अभी शायद ये फिशिंग कर रहे हैं जनाब, फिशिंग ही कर रहे हैं ये। बहुत सारे पंछियाँ भी दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी पंछियों का शूट नहीं लूँगा, आप बोर हो जाओगे नहीं तो। ये वीडियो कितने मिनट का बनेगा ये भी मुझे नहीं पता है, ये कुछ प्लान नहीं किया है। मेरी सारी जर्नीज अनप्लान्ड होती है। अभी मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा लोकेशन यहाँ पे मिलेगा, मैं तो कैजुअल विजिट पर आया था। तो ये जो है ये हमारा मंदिर है, वहाँ पर अभी जाएंगे हम, देखेंगे ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ट्रैवल टॉकीज़ को। ऐसे बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर एक जगह एक वीडियो में होगा, कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। अगर मैं कभी लॉन्ग जर्नी पे गया तो वही शूट जो रहता है कंटिन्यूस में रहता है, नहीं तो ऐसे एक एक वीडियो अलग अलग स्पॉट्स के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर प्री वेडिंग का फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, कपल फ़ोटोशूट वगैरह। और इसके बाजू में ही एक गार्डन है, वहाँ पर परमिशन फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो मैनेज करते हैं। अगर आप परमिशन लेते हो ठीक से उनसे बातचीत करके तो परमिशन मिल जाती है। तो अभी चलिए हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या देख सकते हो आप। तो ये छोटा सा स्पॉट है केजू देवी मंदिर का, अंदर पुजारी जी भी है पूजा कर रहे हैं।
तो चलिए बंदारे पे चलते हैं अभी। स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। मांडवकर आले मांडवकर वायरल होतील रे कुठं तरी युट्यूब वरती युट्यूब काय प्रॉब्लेम नाही ना आम्हाला नको चौकस रे पाय कस रे अरे रे 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 चौकस चौकस यहाँ पे उनका बोटिंग क्लब है, अगर बोटिंग चालू होती तो बहुत अच्छा होता, फिलहाल तो बंद है, मैंने इंक्वायरी कर लिया है। सुबह सुबह यहाँ पे मॉर्निंग पे बहुत मस्त लग रहा है, एक टिपिकल टाइप का स्मेल आ रहा है, नहीं पता किस चीज़ का। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो देख के बता देना मुझे। सो नहीं पता अभी पुणे की सीरीज में इस वीडियो को कब अपलोड करूँगा, लेकिन करूँगा बहुत जल्दी, इसलिए मैं डेट नहीं बता रहा था आपको, ये तो अनप्लान था। जब पुणे की सीरीज आएगी तब उसमें अपलोड कर दूंगा। एटमॉस्फेयर बहुत सही है, ये सनराइज जो मैंने मिस कर दिया ऑलमोस्ट, मुझे नहीं पता था मिल जाएगा। और इसकी लग रहा है यहाँ पे व्लॉग करना, क्योंकि नीचे देख के चलना पड़ रहा है, बहुत छोटा सा रोड है, साथ में कैमरेज है, घर की गिर गया तो डूब ही जाएगा, साथ में मैं भी। चलिए मज़े लेते हैं। और कैसा लगा आपको ये सीन बताइए मुझे। ये छोटा सा रोड है जहाँ से मुझे ये छोटा सा रोड है जहाँ से मुझे चलते जाता है। मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ऑपोजिट साइड में आया था। धूप आ रही है चेहरे पे, आंखें बंद हो रही है। तो चलिए आपको बाकी का नज़ारा भी बताता हूँ। ये वो गार्डन है जहाँ पे मैं अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि परमिशन नहीं है यहाँ पे फोटो वीडियो लेने की। ऑलमोस्ट 5 rupees एंट्री फीस है, दिन में आ सकते हो घूमने के लिए वगैरह। लोकेशन में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बच्चे बहुत शैतानियाँ करते हैं यहाँ पे, पानी में खेल रहे हैं। पानी का गेट उन्होंने खुला छोड़ दिया है, इसीलिए अच्छा दिख रहा है। ये वो गार्डन है, थेरगाव बोट क्लब।